ऑब्जेक्टिव शीट नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन कितने लोगों को डाउट है हाथ खड़ा करना है कोई दिक्कत नहीं है यही आंसर है ना चेक करते जाओ क्वेश्चन नंबर टू टू में देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैक्यूम का वन होता है किसी भी मीडियम का वैक्यूम के अलावा नेचुरल मीडियम होगा तो किसी भी मीडियम का एक्सेप्ट वैक्यूम के हमेशा ग्रेटर देन वन होता है ठीक तो इट मींस कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करूं फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन ग्लास या किसी मीडियम अब के जो है वो क्या है ग्रेटर देन वन ग्लास का तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई डिनोमिनेटर ग्रेटर देन वन है तो ग्लास के अंदर फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी कम आंसर शॉर्टकट वैक्यूम के अलावा कोई मर्जी मीडियम आ जाए फोर्स हमेशा कम हो जाएगी आपको ये सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है वैक्यूम में अगर मान लो 10 न्यूटन फोर्स है ना तो ग्लास में ऑयल में दुनिया का कोई मीडियम हो फोर्स हमेशा लेस ही आएगी बात ही खत्म होगी आपने सोचना ही नहीं है लेस मार्क कर देना ठीक हो गया नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन देन द बॉडी डज नॉट लूज एनी चार्ज नहीं करती नहीं होता रीअरेंजमेंट होता है देखो कैसे होता यह है कि जब भी कोई बॉडी ये एक बॉडी ये आप रॉड लेके आए ये लो ये कंडक्टर है ये नेगेटिव हो गया ये उतना ही पॉजिटिव हो गया अगर चार इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ आ गए तो उस तरफ से पॉजिटिव हो गया ओवरऑल ये क्या है न्यूट्रल माइनस क्यू प्लस क्यू ऐड करोगे तो जीरो निकलेगा अर्थिंग के बिना पूछा उसने इट इज नहीं नहीं वो तो तब है अगर आप परमानेंटली चार्ज लाना चाहते हो तो अदरवाइज नहीं तो ये विदाउट अर्थिंग है विदाउट अर्थिंग है नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ देखो ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्शन में क्या होता है या तो चार्ज मतलब दो बॉडीज हैं चार्ज शेयर करेंगी या तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी का इसमें जाएगा या इस बॉडी का इसमें जाएगा यार कोई तो प्रॉफिट कोई तो लॉस में रहेगा जो प्रॉफिट में किसे बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन मेरी जेब में आ गए मैं प्रॉफिट में हूँ इलेक्ट्रॉन आपकी जेब में चले गए आप लॉस में हो ठीक हो गया तो मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरे में एक्सेस में हो गया तो इलेक्ट्रॉन का भी मास है तो मेरा मास बढ़ गया जिसके लूज हो गए इलेक्ट्रॉन्स उसका मास कम हो गया तो मुझे नहीं पता किस बॉडी की बात कर रहा है इसकी कर रहा है कि मेरी कर रहा है तो इट में इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है क्लियर है यहाँ तक तो कुछ भी हो सकता है कोई भी आंसर है कोई डाउट इसमें नेक्स्ट सिक्स्थ ये नहीं करना डायपोल हमने किया नहीं गलती से टल गया इसे छोड़ दो अभी सेवन्थ ब्रास एक मेटल है कंडक्टर का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है लिखवाया था लगाओ फॉर्मूला डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स इन मीडियम फोर्स इन ब्रास के इन्फिनिटी है अब ये अगर रेशियो इन्फिनिटी कब आएगी जब डिनोमिनेटर क्या होगा जीरो आंसर जीरो तो कंडक्टर जब बीच में आ जाता है तो वहां पर फोर्स जीरो हो जाती है ठीक ये शीट अपलोड होगी गूगल ड्राइव पे आपकी ईमेल दूंगा मैं एज इट इज जैसे प्लस वन लोगों को पता है तो ये शीट का सोल्यूशन वहां पर गूगल ड्राइव पे आप देख सकते हो कभी भी जो जो शीट्स आती जाएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसके सोल्यूशन सारे गूगल ड्राइव पे आते रहेंगे ठीक है नेक्स्ट एट्थ पोटेंशियल का कोई चक्कर नहीं आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है दो स्फेयर्स हैं एयर है और मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के तो ऑब्वियसली इसके के रेशियो वन ही आंसर आएगा एक और कंफ्यूजन होती है वैक्यूम और एयर एक्चुअल में दो अलग अलग मीडियम्स हैं पर ये कभी कभी ना वैक्यूम को एयर ही बोल देता है जैसे एयर और मीडियम इसे बोला एयर और मीडियम एक्चुअल में बोलना चाह रहा है वैक्यूम और मीडियम पर वैसे टेक्निकली एयर और वैक्यूम डिफरेंट मीडियम्स हैं नेक्स्ट मेटल का इन्फिनिटी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया ये क्वेश्चन वैसे हो गया था ठीक है तो इस क्वेश्चन के अंदर टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर
in air exert a force F on each other. The distance at which these charges will exert same force in a medium of dielectric constant K will be equal to what? देखो इसमें दो केस बना रहे हैं. पहले केस में वो वैक्यूम लेने को कह रहा है और दूसरे केस में वो मीडियम लेने को कह रहा है. तो लेकिन कह रहा है कि डिस्टेंस चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड केस में फोर्स रिमेनिंग द सेम, फोर्स नहीं चेंज करनी. तो केस नंबर वन, फोर्स की वैल्यू वैक्यूम में 1/4πε0Q into Q/r2, कोई दिक्कत नहीं इसमें. इक्वेशन नंबर वन. मीडियम के अंदर फोर्स का ये फॉर्मूला, मीडियम के अंदर एक और इसमें जो मीडियम है यहाँ पर मुझे r डैश करना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा डिस्टेंस निकालना है, तो r की जगह r डैश. अब मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट टाइम, एप्सिलॉन m को क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये सिखाया था. तो ये लिख दिया. अब वो कह रहा है फोर्स रिमेनिंग सेम, मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेट किया, सब कैंसिल हो गया, r डैश क्या आ गया, r बाय अंडर रूट ऑफ k इज द आंसर. ठीक, तो पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक. तो फोर्स रिमेनिंग द सेम आंसर आएगा यहाँ से. नीचे से बटन ऑन करना, नीचे वाला भी. देखो ऐसा एयर और वैक्यूम ना एक ही है. मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है जिसमें एयर अलग और वैक्यूम अलग हो. अगर टेक्निकली वो एयर और वैक्यूम का कंपैरिजन कर रहा है सेम क्वेश्चन में, देखो फिर तो अलग है. पर अगर वो कुछ बात ही नहीं कर रहा, एयर ले रहा है या वैक्यूम, फिर एक ही लो, फिर कोई चक्कर नहीं. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं कि आपकी जितने लोगों ने बुक्स पढ़ी होंगी, आपके स्कूल में शायद स्टार्ट भी हो गया होगा, तो आपके स्कूल के टीचर ऐसे लिखते होंगे एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r2, और शॉर्टकट में इसकी जगह k लिखते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 r2. बहुत बुक्स ऐसे लिखती हैं, है किसी को स्कूल में देखा आपने, देखा रहते हैं. दिस इज नॉट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये लिखने का शॉर्टकट है कि चलो इतना बड़ा ना लिखा, लिख के k डाल दें. अब इसमें प्रॉब्लम है, जो लोग इसको k लिखते हैं फिर वो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को k नहीं लिखते, फिर एप्सिलॉन आर यूज करते हैं, एप्सिलॉन आर यूज करते हैं वो. लेकिन जो लोग मेरी तरह 1/4πε0 लिखते हैं, तो मैं थोड़ा इजी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के लिख देता हूँ. ये ऑथर टू ऑथर है, टीचर टू टीचर है. आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई टीचर यहाँ के लिख रहे तो प्लीज ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये इन जनरल एक कांस्टेंट है. ठीक, पर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को भी के लिखते हैं. अगर कन्फ्यूजन होती है के में, तो मेरी तरह हर जगह 1/4πε0 लगा लो, के का चक्कर ही नहीं है. हमारे लिए एक ही के है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. मैं कभी भी के नहीं यूज़ करता, सारी बुक्स यूज़ करती हैं. अब कभी भी मेरी असाइनमेंट नोट कर लेना, 2 महीने चलेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, बड़ा यूनिट है ये पूरे प्लस टू का सबसे बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स. और इसके अंदर वह सोचने वाली बात है, दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बस, और वो भी मूव नहीं करते. कोई बंदा 2 महीने कैसे बोल सकता है, और 2 महीने में क्या ऐसी पढ़ाई हो जाएगी, देखेंगे आगे. ठीक है, तो ये के शॉर्टकट है, प्लीज नोट करना. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ओके, 11th डन, 12th, 13th, 13th में डाउट. देखो इसमें वो कह रहा है कि तीन इंसुलेटेड स्फेयर्स हैं, छोटे छोटे तीन स्फेयर्स हैं, और सर्कमफेरेंस पे पड़े हुए हैं सर्कल के, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है. आर रेडियस है. फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर के ऊपर कैपिटल क्यू पे फोर्स बताओ क्या लगेगी नेट. मैंने इसका डायग्राम बनाने की कोशिश की थी, थोड़ा जगह कम थी तो ऐसे बन गया. क्यू 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 रखा समझ में आ रहा है, कैपिटल क्यू सेंटर रखा समझ में आ रहा है, इस क्यू ने इस क्यू को रिपेल किया समझ में आया, इस क्यू ने इस क्यू को रिपेल किया समझ में आया, और इस क्यू ने इस क्यू को रिपेल किया. तीन वेक्टर समझ में आ रहे हैं, बाइसिमेट्री ऐसे बन रहा है, दो वेक्टर ऐसे एक नीचे बन रहा है. मैंने इसको उठा के यहाँ लिख लिया, तीन वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर बाइसिमेट्री 120 का एंगल बनाएंगे, क्योंकि सर्कल का टोटल एंगल 360 होता है, 120 120 120. इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ f का स्क्वायर 2 into f into f into cos of 120. ये मैंने लगाया फॉर्मूला साइड पे,
जो कॉस ऑफ 120 होता है ना, ये होता है माइनस हाफ, माइनस हाफ। आप इसे सॉल्व करोगे ना, जब सॉल्व करोगे तो 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर इनटू माइनस हाफ, ये लो ये कैंसिल हो गया। सॉल्व करके आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, f। चेक कर लो, सॉल्व करके सिर्फ f बचेगा। ठीक है, तो सॉल्व करके यहां पर क्या बचेगा, f बचेगा। अब इन दो वेक्टर्स को सॉल्व करके f बचा, नीचे अकेला एक f पड़ा हुआ है, f और f कैंसिल ईच अदर, आंसर जीरो। आप कहेंगे कि फिर ये अब क्या करके देखने पड़ेंगे, नहीं ये भी नहीं करना, इसका शॉर्टकट बताता हूं मैं। सिमेट्री में जितने भी क्यू चार्जेस पड़े होंगे, सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखोगे, नेट आंसर जीरो आएगा। दिखाऊं, देखो कैसे। आपका पहला क्वेश्चन आएगा, आपका पहला क्वेश्चन आएगा ये वाला क्वेश्चन आएगा, सिमेट्री में तीन चार्ज पड़े होंगे, क्यू 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 और ये कैपिटल क्यू, नेट आंसर जीरो। दूसरा क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर में क्यू 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 और ये कैपिटल क्यू, नेट फोर्स कैपिटल क्यू पे जीरो, सारे वेक्टर आपस में कैंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक दो तीन चार पांच पेंटागन, नेट आंसर जीरो। हेक्सागन, नेट आंसर जीरो, करने की जरूरत क्या है, सिमेट्री में जीरो ही आएगा, बात ही खत्म हो गई। ऐसे आते रहेंगे, देखना आंसर जीरो ही निकलेंगे। हालांकि प्रूव करना पड़ता है, मतलब किया जा सकता है, पर जरूरत नहीं है करने की। नेक्स्ट है 14th में, 14th में पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब विद अ वूल, चार्ज नेगेटिव इज डेवलप्ड ऑन द पॉलिथीन। तो कितना मास ट्रांसफर हो गया पॉलिथीन को, मास क्यों ट्रांसफर हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, लगाओ फॉर्मूला, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ, क्यू इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन, क्यू मैग्नीट्यूड पुट किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, को मल्टीप्लाई किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल मास आ गया आंसर, राइट। कोई डाउट इसमें, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर, तो इतना मास ट्रांसफर हुआ। ठीक, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कितने लोगों का हुआ, हुआ कैसे किया आपने, ऐसे किया एरर के मेथड से किया या कोई एक्चुअल मेथड किया, लंबा बहुत लंबा है, लंबा है, कैसे किया, मैथमेटिकल तरीके से किया, लंबा किया, अच्छा ठीक है, मैंने दो लाइन में किया मेरा मेथड, लेकिन अच्छा मेथड नहीं है, आपका बिल्कुल ठीक मेथड है, बट ये 90% केस में चलता है, हमने प्लस वन में बहुत जगह लगा के देखा। एरर्स का मेथड, अप्रॉक्सीमेट, पहला रूल यही है सबसे, जो परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें एरर से लगाओगे तो बहुत जल्दी आंसर आता है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन ऐसा कम आता है, कॉम्पिटिशन में ज़्यादा आता है, तो हम अप्रॉक्सीमेशन के साथ काम कर लेते हैं। इस बार अगर एनसीईआरटी आ भी गया 50% ऑब्जेक्टिव है तो भी चलता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंक्रीज बाय 10%, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस में अगर पहले डिस्टेंस आर था और अब आर डैश है, तो इंक्रीज इतना हो गया, ओरिजिनल आर है, ये क्या आ गया, दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन आर, इसे बोलते हैं ये 10% है, इसको लिखेंगे डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ये क्या गिवन है, कितने परसेंट गिवन है, 10% गिवन है, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 गिवन है। मुझे क्या निकालना है, अगर मैंने डिस्टेंस को कम किया, फोर्स कितने परसेंट बढ़ गई, तो फोर्स मैंने, मुझे 1/4 चाहिए नहीं, मुझे एफ और आर का रिलेशन चाहिए, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। अब एक तरीका मैथमेटिकल है, छोड़ दो, एरर का रूल लगाते हैं। एरर क्या कहता था, रिलेटिव एरर, डेल्टा एफ बाय एफ, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है, कोई एरर नहीं, 2 डेल्टा आर बाय आर, सीधा परसेंटेज चेंज इन आर आ गया, फ्रैक्शनल चेंज इन आर आ गया, फ्रैक्शनल चेंज इन एफ आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड्स को, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म तो कितने गिवन है 10%, तो परसेंटेज चेंज इन फोर्स कितनी आ गई, 20%। अब क्योंकि आर आपने बढ़ाया,
अगर आर बढ़ाया तो फोर्स क्या हुई होगी, कम, तो आंसर डिग्रीज में आएगा पहले तो। आप कहोगे सर 20%, आंसर तो 17% है, तो नजदीक आंसर देखो ना क्या आएगा, 17% आंसर है। आप कहोगे ये तो बहुत डेंजर है, 3-3% का वेरिएशन, तो एक्चुअल में थर्ड कर लो मैथ्स का, फिर लगाओ 3-4 मिनट अपने लगा के, पहला यही ट्राई करो एरर का, अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है, इसको टिक करो, ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरे को परसेंटेज चेंज का प्रॉब्लम दोगे, मैं पहले यही मेथड लगाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस मेथड की गारंटी नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, याद रखना। कहीं सोचोगी हर बार एग्जैक्ट आंसर आएगा, नहीं आएगा, इससे तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, बट चलता है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लस वन में चलते ही आया, वैसे बहुत जगह चलाया मैंने, कहीं एरर याद है, वो प्लस वन के अंदर इतना लोड ना उठाया नहीं जाता लोगों से न्यूमेरिकल का, मतलब न्यूमेरिकल ठा ठा फायरिंग होती है, तो अभी क्या, अभी वो स्टेज थोड़ी छोटी होती है, अभी आप ठीक हो जाएंगे, आदत भी पड़ चुकी होगी अब तो थोड़ी, नहीं पड़ी अभी, पड़ जाएगी होमवर्क दे दे के, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो रिपीट है क्वेश्चन, आर वाई रूट के हमने कर लिया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में डाउट देखो। इस क्वेश्चन में टू स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस सस्पेंडेड टू अ सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ एल ईच। धागा लिया, एक चार्ज इधर एक चार्ज लटका दिया, कोई ग्रेविटी नहीं, कोई कुछ नहीं है, रिपेल 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 रिपेल, हाथ बिल्कुल खुल गए, एंगल क्या बना 180, आंसर पाए स्ट्रेट। अच्छा कैसे होना चाहिए, थोड़ा ऐसे हो सकता है 60 डिग्री, पेंडुलम की तरह ऐसे, होल सेटअप इज वेटलेस, अब हो सकता है, वेट होता तो आपकी बात मान लेता, फिर मुझे पता नहीं क्या आंसर आता भाई, वो तो अगर अगर हल्के हल्के पार्टिकल हैं तो 60 डिग्री, भारी भारी हैं तो हिलेंगे ही नहीं, बहुत ही भारी हैं तो पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कह नहीं सकते। क्यू एंड क्यू, आप क्या चाहते हो, क्यू वन क्यू टू बोलो, आंसर क्या बोलते हो, क्यू वन वो कह रही है कि इसमें इक्वल है क्यू एंड क्यू, क्यू वन क्यू टू है, चलो अब बोलो, नहीं क्यू वन क्यू टू पॉजिटिव है, बनेगा कूलम फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, कम ज्यादा फोर्स तो लगाएगी नहीं तो फिर खिंच जाएगा फिर से, टेस्ट का क्वेश्चन है मेरे आने वाले बता रहा हूँ तुम्हें, ये टेस्ट में आएगा, दो डायग्राम बना के दूंगा क्यू वन क्यू टू, और फिर तुम टेस्ट में देखना इसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये रिपीट सेम क्वेश्चन है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, टू पॉइंट चार्जेस इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इंटरेक्ट विद अ सर्टन फोर्स, आर गिवन है, कुछ फोर्स है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर शुड दीज चार्जेस बी प्लेस इन ऑयल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के, टू ऑब्टेन सेम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये सेम क्वेश्चन है, पहले वैक्यूम में फिर मीडियम में, आर बताओ क्या हो ताकि फोर्स रिमेनिंग सेम, तीसरी बार रिपीट हो रहा है वही, आर डैश क्या होगा, आर बाय रूट के, पुराना आर पता है, के पता है, आंसर ठीक ठीक है, रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th में डाउट, ठीक है 20th में डाउट, एबोनाइट रॉड एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज गिवन, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो अगर ये चार्ज गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं ना कितने हैं फालतू, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, जब चार्ज गिवन हो ना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है, सॉल्व करके एन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 21 में डाउट 21 में ईच ऑफ टू पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस इज हाफ्ड, चार्ज को कहता है डबल कर दो, डिस्टेंस को कहता है आधा कर दो, फोर्स बिकम एन टाइम, तो एन क्या हुआ, ये फोर्स पहले थी, अब क्या किया, चार्ज को क्या किया डबल, डिस्टेंस को क्या किया हाफ, डिवाइड करें इन्हें, आंसर आ गया,
हर कोई स्टूडेंट ग्रुप में ऐड हो गया जो मैंने नया ग्रुप बनाया, कोई ऐसा स्टूडेंट जिस तो ना ऐड हुआ? नहीं हुआ, आप ऐड अभी करवा के जाना ऐड अपना नंबर ऑनलाइन। विभांशु विभूति, यस सर, ठीक है, एडेड हो ना? यस सर। विभांशु, यस सर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डाउट क्लियर है मान्या? ठीक है, हो गया था, देख लो। कोई ये मत सोचना कि पड़ोसी क्या सोच रहा है, सोचो तो उसे जो सोचता है। जब सीट निकलेगी तो फिर वो सोचेगा दोबारा कि ये क्या हो गया। ठीक, तो समझ में आ रहा है यहां तक? ओके। 23, ओके, इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर एंड फोर्स एफ। तो ठीक है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ई इनटू ई बाय आर स्क्वायर, डन। वो क्या कह रहा है कि दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या होगी, सेपरेटेड बाय ट्वाइस द डिस्टेंस। तो पहले आर की जगह 2R किया, अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के डबल होता है, याद रखना है ये प्लस टू में बड़ी कॉमन क्वेश्चन है ये कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटोन से या इलेक्ट्रॉन से डबल होता है। तो अगर ई है तो 2E है, याद रखना। ठीक, तो 2E 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय 2R, तो यहाँ से 2R का स्क्वायर, 4 कैंसिल, अल्टीमेटली फोर्स रिमेन सेम। ठीक, तो ऐसे आएगा, कॉमन क्वेश्चन है ये CBSE वालों का भी, अल्फा पार्टिकल के ऊपर देते हैं, अल्फा पार्टिकल प्रोटोन इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन बहुत आता है। ठीक, नेक्स्ट 24, बॉडी हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, इट मींस दैट, इसका आंसर शायद गलत होगा शीट में, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 1 कूलम पुट किया क्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट किया तो एन आ गया, इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो कह रहे एक्सेस, एक्सेस का मतलब एक्वायर्ड, तो एक्वायर्ड वर्ड आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए बॉडी के ऊपर, तो एक्वायर्ड आंसर। पीछे गलत है बीसीडी में इसका आंसर शायद, ठीक है, ठीक। कितने लोगों ने बुक्स कोई स्टार्ट की है, कोई है बुक घर पे, कोई किसी के पास की है, स्टार्ट की किसी ने कोई सॉल्व में? उसमें सॉल्व करने का तरीका बहुत लंबा है और देख चक्कर आ जाएंगे देख के कि वो अपनी क्या इतनी लंबी थ्योरी बोले जा रहा है और वेक्टर करे जा रहा है और अपने क्या क्या तरीके कर रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, अपना मेथड फॉर्मुलेट करना, अपने से ही करना जैसे हम कर रहे हैं, सुपर पोजिशन वैसे ही लगाना। ठीक, मैं न्यूमेरिकल दूंगा अभी अभी उसमें से, तो अपने तरीके लगाना, वो बहुत लंबा करता है। फिर भी कोई डाउट है तो मैं बैठना शुरू करूँगा, कर ही दिया, आज भी बैठा था पूरा दिन में, तो कल भी मैं अवेलेबल रहूँगा, तो मैं दिन में मुझे मैं टाइम फिक्स कर दूंगा, तो आप डाउट्स या शीट्स, अभी जरूरत नहीं ना, अभी ईजी चल रहा है थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा एक दो चैप्टर ईजी है, थर्ड चैप्टर नया चैप्टर है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स फिर सब नए हैं, तो वहाँ थोड़ा सा जोर लगाने की पड़ सकती है, तो मैं आपको अनाउंस कर ही दूंगा। वैसे मोस्ट वेलकम, कभी भी आ सकते हो, तो दिन में बुक स्टार्ट की है, बुक करनी है, डाउट्स हैं आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो साथ साथ बताता भी जाऊँगा कि इस तरीके से आप जो प्लस टू की क्लास है, प्लस वन की तरह नहीं चल सकती, प्लस टू की क्लास थोड़ा सा की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट देना है। आप रिजल्ट प्लस वन में या जो भी आया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस टू की क्लास का रिजल्ट इसलिए थोड़ा डिफरेंट रहता है, प्लस टू की क्लास को कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करके बोर्ड में बैठना होता है। आपने नोट किया होगा इतना बड़ा सिलेबस है, बंदा भूल ही जाता है सिलेबस, एक चैप्टर करता है दूसरा यूनिट भूल जाता है, दूसरा करता है तीसरा भूल जाता है, प्लस टू में तो यही है, तो आपको 2 बार करना है। तो मेरा सिलेबस 15 दिसंबर से पहले पहले ख़त्म होगा और मोस्ट प्रॉब्ली 10 तक ख़त्म कर दूंगा मैं प्लस टू विद ऑल एवरीथिंग, हो जाती है ईजी, कोई जल्दी नहीं करूँगा, आराम से हो जाएगा, थ्योरी ज़्यादा है इसमें थोड़ी सेकेंड पार्ट में, तो
एक तो ये बात है, दूसरा दिसंबर का जो मंथ है उसमें आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं 15 डेज के, याद करो दिसंबर, और स्कूल वाले बोर्ड बोर्ड के चक्कर में छोड़ेंगे भी नहीं आपको, पक्का पेपर लेंगे। अब आप फंस गए, मैं अब प्लस टू का स्कूल की तैयारी करूं, और अभी अभी प्लस टू खत्म हुई है तब वो उसकी तैयारी भी जबरदस्त करनी पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो ना फुल सिलेबस टेस्ट। तो अगर आपने यहाँ कोई भी यूनिट ढीला छूट गया, बैकलॉग हो गया इन 9 महीनों में, तो दिसंबर का पेपर कैसे अच्छा होगा? नहीं होगा, प्रेशर में आ गए। दिसंबर जनवरी में प्लस वन रिवाइज होनी है, और जनवरी एंड में मेंस का, नॉन मेडिकल वालों का तो मेंस का पेपर भी हो जाएगा। तो वो जो दिसंबर जनवरी है ना, वहाँ पे वही सक्सेसफुल है जो प्लस टू सही कर ले, साथ साथ तेजी से करे, और प्लस वन वो थोड़ा 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 चलाए। प्लस वन को इलेक्ट्रोस्टैट के साथ कभी ना चलाना, अभी कुछ पंगा मत लेना, इलेक्ट्रोस्टैट पूरा फोकस करके रखना। इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मैग्नेटिज्म आएगा, मैं खुद अनाउंस करूंगा, अब तुम प्लस वन स्टार्ट कर लो। वो प्लेन में उड़ते हैं ना, वो बोलती है एयर होस्टेस की, वो अब आप वो पेटियां खोल लें। हाँ, टर्बुलेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है, अभी टर्बुलेंस है ये, क्योंकि शुरू हुआ है। इंट्रोडक्शन की बहुत बढ़िया है, चैप्टर भी बहुत बढ़िया है, इसकी एक ही प्रॉब्लम है, ये एक चेन की तरह लिंक्ड है। जहां आपकी एक चेन टूट गई वो पूरा का पूरा यूनिट गिरेगा नीचे, तो इसलिए इसको बड़े आराम से करना है। मैं भी आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट्स बड़े प्यार से आराम आराम से, बाकी फिजिक्स तो अपने आप ही बन जाएगी, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा यही है क्रिटिकल, बाकी सब ठीक है। ठीक, तो इस पर जितनी जान लगानी होती जान लगा के काम करना, ये आपको बहुत पे करेगा प्लस टू में। और CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से 14 नंबर से कम नहीं आएगा, ये 14 मार्क्स का अकेला यूनिट है, ये कई चैप्टर हैं इसमें, 14 नंबर बहुत है, 16 ही ना होते हो कहीं, 14 16 इतने क्वेश्चंस हैं, इतना दम रखता है कंपटीशन। नीट में 5 क्वेश्चन, 5 बहुत होते हैं नीट के, और मेंस में 3 बहुत है, टोटल 16 17 करने नहीं है, 3 इलेक्ट्रोस्टैट दिलवा गया, बाकी पूरी प्लस टू पड़ी है, 2000 प्लस 1 में निकाल लेंगे, सीट तो निकाल ही देंगे कैसे ऐसे करके। ठीक, कर लेंगे कुछ ना कुछ एंड तक। देखो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन में डाउट होता है सब्जेक्टिव में, जो मुझे लगता है किया, ट्राई किया सब्जेक्टिव। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड,
ये क्वेश्चन बड़ा अजीब क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ो ना, कि क्या व्हाट क्या बिगर, व्हाट इज बिगर, कूलम या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? कूलम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इधर खड़ा है एक कूलम, कंपेयर करना है ना, कूलम और 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, वैसे तो दिख रहा है कंपैरिजन बड़ा बड़ा दिख रहा है। चलो मैथमेटिकल कितने टाइम्स अगर बताना है, तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का इतने कूलम है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे जब ठीक तरह करके लिखा तो गिरा, तो इतने टाइम्स बड़ा है क्या 1 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वैसे अगर सिर्फ ये बताना हो कि कौन बड़ा है तो 1 कूलम ही बड़ा है, क्योंकि वो 10⁻¹⁹ कूलम में चल रहा है और वो 1 कूलम में चल रहा है, तो फर्क पड़ गया ना। तो अगर सिर्फ ये बताना है कौन बड़ा कौन छोटा, तो 1 कूलम बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा छोटा देखो, फिर तो क्यू इज इक्वल टू एन ही लगाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, यस नो, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच सेपरेटेड बाय 1, ये तो सबसे आसान है। नेक्स्ट डाउट, कितना ट्राई किया, किया है, डाउट है, हो गया ठीक। फोर्थ अरे तक किया है, ट्राई, डाउट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज गिवन ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्ज -0.8 इज 0.2 न्यूटन। तो ये दो चार्जेस गिवन है, फोर्स गिवन है, आर निकालना है, प्रॉब्लम ही नहीं है। मैग्नीट्यूड ले रहे 1/4πε0 Q1 Q2 r2, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तुम्हारी, आर स्क्वायर का अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, इरिटेटिंग बात आना है थोड़ी सी है। आर तक तो ठीक था, एक रेसिप्रोकल भी है, फिर अंडर रूट भी है, यहाँ प्रॉब्लम है, पर क्वेश्चन इजी है। और व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, कूलम फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, तो अगर एक ने लगाई तो दूसरे ने भी एग्जैक्टली सेम लगाई, बात खत्म। तो अगर एक ने अगर लगाई कितनी 0.2 न्यूटन, तो दूसरे ने भी कितनी लगाई 0.2 न्यूटन, डन, क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ। एक तो जिनकी स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन लंबी है, बंदा सोचता है कि वैसे ही थोड़ा सा होगा, हाँ वैसे आसान है। सेकंड पार्ट हमने कर लिया ऑब्जेक्टिव में 16 गुना आंसर 16 टाइम्स। ये देखो, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, आर पता है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। रिपल्शन, रिपल्शन है, सॉरी व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालनी है। चार्ज अगर आपको गिवन है तो Q1 Q2 गिवन है, तो फोर्स निकालनी है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r2 आंसर आ गया, डन, ये तो आ गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ईच स्फीयर इज चार्ज डबल एंड डिस्टेंस इज हाफ। चार्ज Q1 का 2Q1 कर दिया, Q2 का 2Q2 कर दिया, और R को आधा कर दिया, ऊपर से न्यूमिनेटर में 4 एक्स्ट्रा आ गया, 2 × 2 = 4, यहां से 4 उठ के ऊपर चला गया, 4 × 4 = 16, 16 का फैक्टर आ गया, 16 आ गया पूरा फैक्टर, तो यानी कि जो पहले फोर्स थी ऊपर जो आ रही थी उससे 16 गुना ज्यादा आंसर है, 16 टाइम ज्यादा आंसर। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसमें तो वैसे ही पता है, यहां से 16 बाहर निकाल लेना, ऊपर वाली फोर्स 16 से मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो द टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। अब ये पार्ट को भूल जाओ, फर्स्ट पार्ट को, वापस यहीं पे आ जाओ। फोर्स वैक्यूम में इतनी थी, हमने निकाल ली, वाटर में निकालनी है, तो वाटर में क्या करेंगे, के इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वाटर, तो फोर्स इन वाटर इज फोर्स इन वैक्यूम बाय के। तो वैक्यूम में पता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, लास्ट टाइम सिखाया था कैसे यूज करना है, आंसर ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये हमने कर लिया था, इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन याद है, दो क्वेश्चंस किए, सेम है दोनों, लास्ट लेक्चर में मेरी शीट में इक्विलिब्रियम सेम है,
ये भी कर लिया था, ओ cos थीटा f sin थीटा, क्या आपने सुपरपोजिशन? अच्छा आपने पूरा नहीं किया, नहीं मेरा लेक्चर सुन क्या है पूरा, उसमें ये था, ये वाला नहीं हुआ। तो इसमें टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, टू माइक्रोकूलम, थर्ड थ्री, ये टू है, ये टू है और ये थ्री है। तो आपने किया तो ऐसे ही ना कि टू ने इस थ्री को क्या किया, रिपेल किया इधर एफ फोर्स के साथ, इसने इसे एफ फोर्स के साथ, थीटा थीटा सेम, तो यहां पर एफ कॉस थीटा ऐसे ही था, ठीक है, और ऐसे यहां पर क्या किया एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा ऐसे किया, फिर ये कैंसिल हो गया था 2f cos थीटा। तो 2f cos थीटा में cos थीटा की वैल्यू क्या पुट की, 2 बाय रूट 5 और f की जगह 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, फोर्स आ जाएगी, कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज, हो सकता है, ठीक है यहाँ तक, वो सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, बोलो। अच्छा, ओ अच्छा, तभी आंसर वेरिएशन है। वैसे ओके, हो सकता है, ये टू है, ये वन है, तो ये रूट फाइव है, ये कर लो फिर, या कुछ मत करो, इस आंसर को काट दो, कट कर दो, ये डायग्राम के साथ अपना आंसर निकाल लेना, क्योंकि शायद मिसमैच हो रहा है, ये आंसर और वो डायग्राम के साथ शायद कुछ मिसमैच हो रहा है, तो वो डायग्राम वही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम वही रख लो, आंसर ये नहीं आएगा, इसका मतलब शीट के साथ आ रहा है, शीट में डिस्टेंस क्या गिवन है ये, पर फिर वो फाइव नहीं हो सकता ना, अच्छा फाइव थ्री फोर, हाँ फिर हो सकता है, फिर तो मेरी शीट वाला क्वेश्चन हो गया, वो फाइव थ्री फोर तो मैंने शीट पे किया था। अच्छा चलो छोड़ो, आपको मेथड समझ में आ गया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों को डाउट है, देखो सेम ही तो है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस नहीं है ना अभी, कोई बात नहीं। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑन चार्ज वन माइक्रो कूलम हेल्ड एट पी एंड दो और चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ए और बी रिस्पेक्टिवली, डिस्टेंसेस गिवन है। तो अगर इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें, तो इस डायग्राम के अंदर क्या है कि एक चार्ज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ये रहा, माइनस 10 की पावर माइनस 8 ये रहा, और 1 माइक्रो कूलम ये रहा। आपको नेट फोर्स कहाँ निकालनी है, यहाँ निकालनी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में डिस्टेंसेस गिवन है, तो ये पॉजिटिव, हाँ फोर्स किस पे निकालनी है, वन पे निकालनी है, तो सारे वेक्टर कहाँ बनेंगे, वन पे बनेंगे, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल, तो एक वेक्टर ऊपर, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट इधर, दो वेक्टर हो गए, कितने एंगल पर बने 90, तो वेक्टर सम करें, पैरेललोग्राम रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं ना, क्योंकि दो वेक्टर 90 पे है तो सीधा पैरेललोग्राम लगा देते हैं, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करके रिजल्टेंट आ गया, और रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, ठीक, ये लो, तो यहाँ पर एफ वन की वैल्यू, एफ वन की वैल्यू बोलो क्या होगी, एफ वन की 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 10 मीटर में कन्वर्ट करने का होल स्क्वायर, तो यहां से फोर्स आएगी, फिर ऐसे ही F2 क्या आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज इंटू दिस मैग्नीट्यूड ओनली प्लीज मैग्नीट्यूड नो साइन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया F1 F2 अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर का अंडर रूट आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे सारा वेक्टर गेम है, टोटल वेक्टर, दो चैप्टर पहले से वेक्टर बेस्ड है, आपको फील ही ऐसा आ रहा होगा कि अच्छा ये प्लस टू थी, नहीं नहीं इतनी भी ऐसी नहीं है, कुछ तो दिखाएगी, पर कंपैरेटिव टू प्लस वन इजी टू हैंडल है।
बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, उसमें तो एनर्जी भी लगा, फोर्स भी लगा, ये भी फ्रिक्शन भी लगा, सब कुछ लगा दे, एक चलने दे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें चार्ज है, चार्ज है तो चार्ज है, पोटेंशियल का न्यूमेरिकल, पोटेंशियल का न्यूमेरिकल है, फील्ड है तो फील्ड है, थोड़ा अलग अलग एरियाज हैं इसके। चलो यहाँ तक क्लियर है, 10 क्वेश्चन तक कहे थे मैंने, ठीक है। व्हाट इक्वल चार्जेस वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अर्थ और मून अगर दो स्फीयर्स ले, उन पे कितना चार्ज रखें ताकि ग्रेविटी की फोर्स, उनकी ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस किया जा सके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम इक्वेट करते हैं, और हमने क्या निकालना है यहां से, क्यू चार्ज आ गया, कैलकुलेशन वाइज बड़ा है, पर पॉइंट क्लियर है यहां तक, कैसे इसको इक्वलाइज किया आपने। हाँ, ये वाला मैंने शीट में छोड़ा था क्वेश्चन, 11th वाला। हाँ कोई बात, अभी करते हैं, पहले काम करते हैं इसको, चलो यहीं से करते हैं, कोई बात नहीं। देखो जो आपकी शीट थी ना, उसमें एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ना जो मैंने छोड़ा था इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस के बाद का कुछ, वो यही क्वेश्चन था। टू इक्वली चार्ज पार्टिकल हेल्ड 3.2×10⁻³ मीटर अपार्ट आर रिलीज्ड। अब देखो, वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसने कहा रिलीज कर दिया, यानी कि जितने क्वेश्चन हमने अभी तक किए उसमें बाय डिफॉल्ट चार्ज को पकड़ के रखा हुआ है, तभी स्टैटिक है। अगर कोई उनको भी रिलीज कर दिया, या पास आएंगे या दूर चले जाएंगे। इसमें वो कह रहा है इसको रिलीज कर दो, तो स्टैटिक नहीं रहा, तो रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज 7 m/s² एंड दैट ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज 9 m/s². मास पहले का गिवन है, दूसरे का निकालना है। मैंने इसमें क्या क्या किया, दोनों के दोनों पार्टिकल चार्ज्ड हैं, और मैंने अज्यूम कर लिया कि दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर। वैसे जरूरी नहीं है, इक्वली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इक्वली चार्ज का मतलब चार्ज बराबर है, साइन उसने दिया नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है। मैंने मान लिया पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पास आ गए। अगर मैं ये मान लेता पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, डायरेक्शन में इधर भेज देता ही नहीं, क्या फर्क पड़ता था, या तो ये दूर चले जाते या पास आ जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कशन का है ही नहीं कि पास आ रहा है कि दूर जाना है, यहाँ डिस्कशन है कि मास निकाल दो, ठीक है। यहाँ तक जो कूलम की फोर्स है, अट्रैक्टिव है मान लो इसमें, वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। चलो मैग्नीट्यूड तो बराबर है मानते हो, अगर इस पार्टिकल पे फोर्स लगी और इस पार्टिकल पे फोर्स लगी, उसकी वैल्यू तो कम से कम बराबर लगेगी। ओके, तो फोर्स कितनी लगेगी, 1/4πε₀Q1Q2x² जो भी इनके बीच में डिस्टेंस x है। अब इस फोर्स से, जो भी ये फोर्स लगी, ये पार्टिकल मूव करता है, और उसी फोर्स से ये पार्टिकल भी मूव करता है और एक्सेलरेट करते हैं दोनों। तो न्यूटन के लॉ से यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1a1, और यहाँ से m2a2, वो भी तो फोर्स का फॉर्मूला है। ये m1a1 m2a2 जो मैं बोल रहा हूँ, वो किसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, F के साथ, क्योंकि m1a1 पहले पार्टिकल की फोर्स है, जो कहाँ से मिली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। m2a2 सेकेंड पार्टिकल की फोर्स है, कहाँ से मिली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों को F तो बराबर ही है, यानी m1a1 = m2a2। तो मैंने इक्वेट कर लिया, मुझे इसमें m1a1 a2 गिवन है, m2 आ गया आंसर, ठीक आंसर आ गया। फिर m2 आ गया तो चार्ज निकालने को बोल रहा है। अब हम एक काम करेंगे, फोर्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, m1 a1 या m2 a2, कुछ भी बराबर ही है। यहाँ ये वैल्यू पुट करके m1 पता है, a1 पता है, x पता है,
सॉल्व करके क्या जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज भी आ जाएगा और उसी तरीके से जो ऊपर हमने मास निकाला वो भी आ गया। मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एफ की वैल्यू जो भी है वो इन दोनों के इक्वल है, यहीं से सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? सारी गेम सिर्फ प्रैक्टिस की है, आपके हाथ से सॉल्व होने चाहिए बस, ठीक। ये हमने कर लिया था इस शीट का वैसे क्वेश्चन, ये भी एक मिनट कर लें, एक मिनट, ये वाला ये कर लिया था ना, सीजीएस वाला, हाँ सीजीएस का हो गया था ये वाला, ये वाला, ये वाला देखना, शीट पे आ रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, दो मिनट रुको। क्या क्वेश्चन है? टू पॉजिटिव चार्जेस विच आर 0.1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन, ठीक है, 18 न्यूटन फोर्स से रिपल्शन होती है, और सम ऑफ द चार्जेस 9 माइक्रो कूलम है, फाइंड वैल्यू ऑफ चार्जेस। तो टू पॉजिटिव चार्जेस 0.1 मीटर अपार्ट, तो आर मुझे गिवन है, फोर्स मुझे गिवन है, और सम ऑफ द चार्जेस मुझे गिवन है 9। चलो अगर एक चार्ज, पहला चार्ज क्यू माइक्रो कूलम है, क्योंकि माइक्रो कूलम इसलिए क्योंकि टोटल सम 9 माइक्रो कूलम है, तो एक चार्ज भी माइक्रो कूलम है, दूसरा भी माइक्रो कूलम, एडिशन भी माइक्रो कूलम, तो उनमें से अगर एक क्यू माइक्रो कूलम है तो क्यू इंटू 10^-6 कूलम, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अकेला क्यू लिखते हो तो गड़बड़ हो सकती है, तो क्यू माइक्रो कूलम है, तो मैंने लिख दिया 10^-6 कूलम, तो दूसरा क्या बनेगा, इन दोनों का सम 9 माइक्रो कूलम है, तो दूसरा बनेगा 9-Q1 माइक्रो कूलम, यानी कि 10^-6 कूलम। तो एक चार्ज क्या बना, इतना, दूसरा चार्ज क्या बना, इतना, 10^-6 लगाना जरूरी है दोनों में, बात खत्म, क्योंकि दोनों माइक्रो माइक्रो में है, इसलिए कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अब वो क्या कह रहे हैं कि चार्ज निकालने, फोर्स पता है, नो आ गया आंसर, ये फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स 18 गिवन है, 9 × 10^9, Q1 की जगह Q1 इंटू 10 की, या Q आना चाहिए था यहाँ पे, Q मैंने Q पुट किया था ना, चलो Q1 ले लो, कोई बात नहीं, पहला चार्ज है Q1 10^-6, 9 − Q1 10^-6, अगर ये ना लगाया कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, बाकी तो गिवन ही है सारा। सॉल्व करके क्या निकाल लें, Q1 आएगा, Q1 से सॉल्व करके ऑटोमेटिकली Q1 + Q2 गिवन है, तो वहां से Q2 आ जाएगा, Q1 आ गया तो Q2 भी आ गया, कैलकुलेशन वाइज बड़ा हो सकता है, कॉन्सेप्ट वाइज तो इजी है। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक, शीट पे वापस चलते हैं अपनी, ये रही। तो मेरे ख्याल से अब 11th क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, वही है M1A1 M2A2 वाला, डन। सम ऑफ 9 माइक्रो कूलम अभी किया, डन। 13th क्वेश्चन ट्राई कर लो, पहले एक बार आप पढ़ लो, किया तो नहीं, 10th तक की है ना आपने, कर ली सारी, ठीक है, 13th एक बार पढ़ लो क्वेश्चन प्लीज। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, कैरिंग अ चार्ज -Q1, मूविंग अराउंड अ फर्स्ट चार्ज Q2 अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो ये Q2 है, -Q1 सर्कल में घूम रहा है, रेडियस ऑफ r, रस्सी बंधी हुई है, टेंशन निकाल लो। तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, वैसे ये वर्टिकल सर्कल मैंने बनाया हुआ है, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे घूम रही है, तो मैं वर्टिकल का चक्कर इसलिए डाल नहीं रहा क्योंकि आपने सर्कुलर मोशन में देखा, वर्टिकल में क्या होता है, वो टेंशन चेंज होती है,
हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होती है, तो इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज करूंगा। तो टेंशन निकालनी है, टेंशन एक फोर्स है जो कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड सेंटर। सेंटर की फोर्स को क्या बोलते हैं सर्कल में, सेंट्रिपिटल। तो लगा दो सेंट्रिपिटल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रिपिटल। वो क्यों, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को खींच रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। और अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज को खींच रहा है, टुवर्ड सेंटर खींच रहा है, वही सेंटर की फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इक्वेट कर देते हैं, ये मैग्नीट्यूड है 1/4 πε0 q1 q2 r2 mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या निकालना है, टाइम पीरियड प्रूव करना है। टाइम पीरियड के अंदर ओमेगा को 2π/T पुट करेंगे, ओपन करें स्क्वायर 4π²/T² क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। मतलब मेन पहला स्टेप यही था, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है। यहाँ तो गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं यहां तक कैसे करना है? ये आपको मिलेंगे सब क्वेश्चंस। पिच बॉल वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था हमने, याद है? पिच बॉल एक ऊपर एक नीचे, वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल था, ठीक। रिपीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 होगा फिर, ये रहने दो, ये 5th क्वेश्चन का रिपीट है। नहीं ये देख सकते हो एक बार, ओहो लिंक्ड आया लेकिन क्वेश्चन, अच्छा चलो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ मैं एक मिनट पहले। ये वाला वो ये कह रहा है, दो स्फीयर्स हैं, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑन ईच इज गिवन। तो आपको नहीं, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, फोर्स निकालनी है, चार्ज ऑन ईच इज गिवन, तो रेडियस नेग्लिजिबल है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 1/4π0 q1 q2 r2, क्यू सेम है, आंसर आ गया। तो फोर्स की वैल्यू आ गई, यहां तक कोई डाउट है इसमें, ठीक है, राइट। इसको यही बंद करते हैं, ये फोर्स आ गई, इस पार्ट को छोड़ो, अब सीधा यहां पे आ जाओ। ये फोर्स इतनी आ गई थी हमारे पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो और देखो जरा क्या क्वेश्चन है। फोर्स निकल गई हमारे पास, अब एक और स्फीयर लेके आ रहा है सी, उसको देखो क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में, क्या सपोज ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज, चार्ज Q1 Q2 था, थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम द बोथ। अब ए और बी की फोर्स बताओ क्या होगी। तो मान लो पहले ए और बी पे ये चार्जेस हैं, सी तो अनचार्ज्ड है, पहले सी ने ए को टच किया, सी के ऊपर अपना कुछ था नहीं, तो q1 + 0/2 q2 बी को तो छेड़ा ही नहीं हमने, ये सिचुएशन है। अलग अलग किया तो इसके ऊपर ये चार्ज, इसके ऊपर ये चार्ज, इसके ऊपर ये चार्ज, सही। फिर सी ने किसको छेड़ा, बी को टच किया, सी और बी, तो ये दोनों चार्जेस मिल गए, ऐड करें
ऐड करके डिवाइड बाई टू आधा आधा हो जाएगा, तो इसको आधा किया तो ये आ गया बी के ऊपर चार्ज। अब इनकी फोर्स क्या होगी, 1 बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट दिस इनटू दिस बाय आर स्क्वायर। अब क्यू वन क्यू टू आपको सेम ही गिवन थे इस क्वेश्चन में, पुट करके आंसर आएगा, चार्जेस तो सेम ही है, मैंने जान के क्यू वन क्यू टू लिया, अदरवाइज इट इज क्यू एंड क्यू ओनली। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कौन किसको टच कर रहा है और फिर कैसे हो रहा है। तो जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं इन्हें, तो एवरेज आउट करके आंसर, जैसे ही कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं टोटल करके डिवाइड बाई टू। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? डाउट है पीछे? सब क्लियर है? ऐसा वो बताया था उसमें, हाँ शीट में भी वो इस क्वेश्चन को देखते ही बताया था कि जब क्वेश्चन आएगा तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो कल को ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो पता होना चाहिए कि रूल तो वही है, सेम है। ठीक, यहाँ कुछ करेक्शन है मेरे को लगता है, ये है क्वेश्चन शीट में क्या है? अच्छा क्या करेक्शन है इसमें, लिखी नहीं मैंने इस, हाँ फिर वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, मैंने फ्री लिखा हुआ, फ्री लिखा हुआ है आपके इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर एंड नेगेटिव चार्ज पोजेस्ड बाय देम और एवोगैड्रोस नंबर और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर गिवन है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, इसमें आपको क्या निकालना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर लेना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर बाय 18 इतना आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन 10, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10, 22 की जगह 23, तो ये क्या आ गए मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पर मुझे तो उनका चार्ज निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ आंसर कूलम। पहले 1 इलेक्ट्रॉन, पहले 1H2 का चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 मॉलिक्यूल में, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 1 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, फिर चार्ज से मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन के, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। थोड़ी केमिस्ट्री लग गई बीच में, ठीक क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डन क्यों लिखा हुआ मैंने, ये क्या हुआ, शीट में हमने लास्ट टाइम कर लिया था, ओके वो इंक्रीज और डिक्रीज वाला था, हाँ ये नहीं किया, ये कैलकुलेशन में बड़ा लग रहा है, एक बार चेक करो जरा, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा चेक करना। हाँ एक पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल बॉल्स हैविंग अनलाइक चार्जेस इज 2 सेंटीमीटर। देखो वो कह रहे हैं अनलाइक चार्जेस है और टू बॉल्स इक्वल हैं, तो एक चार्ज क्यू वन दूसरा माइनस क्यू टू, बराबर चार्ज भी नहीं बोल रहा कि मैं क्यू और क्यू ले लूं, अनलाइक बोल रहा है तो प्लस और माइनस तो लेना ही है मुझे, तो ये दो चार्जेस ले लिए। डिस्टेंस मुझे 2 सेंटीमीटर के बन है, रेडियस बहुत छोटा है, बॉल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ गिवन, ठीक है फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, चार्जेस निकालने हैं नहीं गिवन, मैंने मैग्नीट्यूड लिया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो पीछे क्या लिख दिया, अट्रैक्टिव है, तो मैंने मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज को पुट किया फोर्स का आर का इस कॉन्स्टेंट का, तो मेरे पास क्यू वन क्यू टू आ गया, पर मुझे Q1 एंड Q2 दोनों निकालने हैं। अब वो कह रहा है आफ्टर बॉल्स हैव बीन कनेक्टेड बाय द वायर
and the later has been removed, the ball repel each other with the force of given. कह रहा है कि अब मैंने इन दोनों वायर्स स्फीयर्स को वायर से जोड़ दिया. वायर से जोड़ने का मतलब दोनों को कॉन्टैक्ट मिले आया. कॉन्टैक्ट का रूल क्या होता है? दोनों को ऐड करो चार्ज डिवाइड बाय टू. सेम रूल है, तो ऐड करके डिवाइड बाय टू करते हैं और फिर उन्हें सेपरेट कर दिया. अब फोर्स इतनी आ गई, Q1 Q2 निकालो. तो जब मैंने वायर से कनेक्ट किया तो एक के ऊपर चार्ज था कितना? Q1. दूसरे के ऊपर कितना था? माइनस Q2. ये लो, ऐड करें डिवाइड बाय टू करें, ये आ गया. अब कोई स्टूडेंट कहता है सर मॉड लगाओ ना, आपने कहा था चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है. भाई मैंने ये थोड़ा कहा था कि 2 कूलम का चार्ज में माइनस 2 कूलम का चार्ज ऐड कर दो तो 4 कूलम आएगा. हमेशा चार्ज हमेशा ऐड ही होंगे, ये तो नहीं कहा. कूलम फोर्स के अंदर बोला था मैग्नीट्यूड लेना. हर जगह चार्ज को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लेना ये नहीं बोला मैंने. तो यहाँ पर तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन लगेगा. तो एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव बाई टू, तो ये अब दोनों पे बराबर बराबर चार्ज हो जाएगा. तो इसका होल स्क्वायर कर दें ऐसे, ठीक किया, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर. तो ये दिस चार्ज इंटू सेम दिस चार्ज यानी कि होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो ये स्टेप समझ में आया क्या हुआ इसमें? पहले यहाँ तक समझ में आ गया, फिर दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के चार्ज क्या आया? Q1 प्लस माइनस Q2 बाई टू एक के ऊपर, Q1 प्लस माइनस Q2 बाई टू दूसरे के ऊपर. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. अब मुझे फोर्स पता है, मुझे ये फोर्स पता है कितनी है दूसरे केस में, मुझे ये भी पता है, मुझे R भी पता है, सेम है. यहाँ से सॉल्व करके Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ गया. जब आप सॉल्व करोगे तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है ना, यहाँ से आ जाएगा. तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक आपको Q1 इंटू Q2, एक आपके पास Q1 माइनस Q2, राइट? क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो Q1 Q2 Q1 माइनस Q2, ठीक. तो इन्हें अब हम क्या करें, इसे Q1 माइनस Q2 Q1 इंटू Q2 ये रहा. अब इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व में वैल्यू लिखी नहीं है, सॉल्व करके Q1 Q2 निकालना है. जो मैथ्स के लोग हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, इनको ना ये टेक्निक्स पता होती हैं. मेडिकल के लोगों को टेंथ में कभी कराई होगी शायद, मुझे पता नहीं. वैसे तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो सकता है, वैसे तो सिंपल है कि आप Q1 की वैल्यू को एलिमिनेट करके Q2 में डाल दो, सॉल्व करो. क्वाड्रेटिक कौन करे क्वाड्रेटिक? एक आसान तरीका, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2. आप राइट हैंड साइड ओपन करके देखो, यही आ रहेगा. क्या है पॉइंट, सबको क्लियर है? क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो यहां से मैं Q1 प्लस Q2 निकाल लूंगा. Q1 प्लस Q2 पता है, Q1 माइनस Q2 पता है. अब इनको ऐड करके मैं Q1 एंड Q2 अलग अलग भी निकाल सकता हूँ. तो कैलकुलेशन में अगर फंस गए तो ये टेक्निक काम आएगी. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक. हाँ, Q1 माइनस Q2 आ रहा है वो, अच्छा ठीक है, वो स्क्वायर नहीं आ रहा. ओके ठीक है, यहां से स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है. चलो कैलकुलेशन कर लेना. आप लोग सोच रहे होंगे ये भी आता है कैलकुलेशन में? नहीं, इतनी टफ कैलकुलेशन आती नहीं. एनसीईआरटी में बहुत कुछ गिवन होता है, पर ऐसी आने लग गई पर फिर तो हो गया पेपर सॉल्व. तो इतनी ऐसी नहीं आती है, बट मॉडरेट आती है. बहुत ईजी भी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कि हो ही ना, अंडर रूट उसमें उलझा देगा, ऐसा नहीं आता, नॉर्मल आती है. बोलो ये क्यों लिया? ये वाला फॉर्मूला ऐसा है ना, मैंने क्या किया कि एक चार्ज क्या है Q1, एक चार्ज क्या है माइनस Q2. जैसे ये एक स्फीयर है Q1, ये एक स्फीयर है माइनस Q2, कॉन्टैक्ट में ले आए तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? इतना. इसके ऊपर कितना हो गया? इतना. तो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट दिस इनटू दिस बाय आर स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख लिया. हाँ ये तो आप कर सकते हो यार, 19 तो खुद ट्राई करो, ये तो आपके बस का है. बनाओ डायग्राम वेक्टर, ये तो करो.
के अंदर अगर आपको एबीसीडी में गिवन हो ना, फोर्स इक्वल टू माइनस फोर न्यूटन प्लस फोर न्यूटन, तो मैं लास्ट टाइम बताया था कि माइनस का मतलब है कि ऑपोजिट चार्जेस है, प्लस का मतलब सिमिलर चार्जेस है। हालांकि मोड़ लेते हैं, पर कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिमिलर या ऑपोजिट की बजाय प्लस माइनस यूज करता है, तो प्लस माइनस के हिसाब से आंसर मार्क करना। डायरेक्शन के लिए थैंक यू। यहां देखो तीन चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस हैं, क्यू 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 बना लिया, क्यू क्यू क्यू। आपको ये डिस्टेंस गिवन है सेंटीमीटर में, आपको ये डिस्टेंस गिवन है सेंटीमीटर में। अब वो कह रहा है कि ए एंड सी आर फिक्स्ड, ए एंड सी आर फिक्स्ड एंड बी कैन मूव। सी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन ऑन बी, तो सी ने बी को सेम चार्ज है रिपेल किया, तो ऑब्वियसली वेक्टर कहां बना, बी को इधर लगा, कितनी फोर्स 4 इंटू माइनस 6 गिवन है, और फोर्स तो ए ने बी को भी लगाई होगी इस तरह, जो मुझे पता नहीं क्या है। डायग्राम क्लियर है यहां तक? अब वो क्या कह रहा है, व्हाट फोर्स ए एक्सर्ट्स ऑन बी, ए ने बी पे क्या फोर्स लगाई। अगर आप मुझे चार्ज बता दो आंसर आ जाएगा, चार्ज नहीं पता मुझे, चार्ज चार्ज यहां पे मुझे फोर्स पता है, यहां से मैं चार्ज निकाल लूंगा। तो पहले सी और बी के बीच में जो फोर्स है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके होल स्क्वायर। तो सबसे पहले सॉल्व करके क्या आया, चार्ज क्यू आ जाएगा, फोर्स की हेल्प से क्यू आ गया। अब ये क्यू ये यूज करेंगे और यहां से क्या आएगी, एफ ऑफ ए बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई 2 बाई रूट 3 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर आंसर। क्लियर है यहां तक? तो एक पार्ट खत्म हो गया, कौन किस पे कितनी फोर्स लगाएगा, क्लियर हो गया। ठीक, डाउट है कहां पे, चार्ज आ गया, क्लियर। इनमें इनमें फोर्स निकाल ले, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई 2 बाई रूट 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। क्यू ये पूरे का पूरा यहां पुट किया का होल स्क्वायर आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब बी पार्ट में पूछ रहा है नेट फोर्स बी पे क्या लगी। भाई बी पे फोर्स लगा कौन रहा है, एक तो एफ ऑफ बी सी और एक एफ ऑफ ए बी, ए बी बी सी। तो नेट फोर्स क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। 90 डिग्री पे दो फोर्सेस है तो वेक्टर सम हो जाएगा एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ बी सी का होल स्क्वायर। ये रहा सॉल्व करके आंसर आएगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए टेन थीटा दिस ऑन दिस, तो ये फोर्स कितनी है एफ ऑफ बी सी, ये कितनी एफ ऑफ ए बी, तो एफ ऑफ बी सी बाय एफ ऑफ ए बी दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा टेन थीटा 0.75, थीटा इज टेन इनवर्स 0.75 इज द आंसर, तभी वो टेन थीटा गिवन था। समझ में आ रहा है डायरेक्शन कैसे निकलेगी इसमें?
ठीक है रन्या, ये पार्ट क्लियर है, ये पार्ट भी क्लियर है, नेट फोर्स में इन दोनों का वेक्टर सम क्लियर है, वेक्टर सम ये रहा आंसर आ जाएगा। फिर डायरेक्शन निकालनी है टेन थीटा, कैसे, दिस अपॉन दिस, एफ ऑफ बी सी अपॉन एफ ऑफ ए बी, टेन थीटा तभी आएगा ना, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, तो टेन थीटा से आंसर आएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगा वेक्टर का खेल ज्यादा है, वेक्टर के वाइज हो रहे हैं एक्चुअल में। डन हो गया ये क्वेश्चन, डन खत्म। ठीक है, ठीक है, ये शीट आपके पास नहीं होगी मेरे ख्याल से, नहीं है ना। इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज पढ़ना, एक मैं चेक कर लेता हूँ ये शीट। हाँ ये करते हैं पहले, ये भी नेक्स्ट शीट है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं शीट दे रहा हूं भी आपको। इक्विलिब्रियम जैसा नहीं है कुछ, हो गया। देखो इसमें ना दो, ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, कैसे, दो पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ क्यू एंड टू क्यू डी डिस्टेंस अपार्ट है, तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू किसी डिस्टेंस पे रखना है, मान लो एक्स पे रखना है, इक्विलिब्रियम जैसी फीलिंग आ रही है ना, इन सच अ वे दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन छोटा क्यू एंड टू छोटा क्यू इज जीरो। पहले बोलता था सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम,
तो सब पे नेट फोर्स जीरो, इस बार कह रहा है इस पे जीरो, इस पे जीरो, एक्स बताओ इस पे जीरो नहीं। तो अब दो इक्वेशन बनेंगी, पहले मैं सारी फोर्सेस इस पे निकालूंगा और नेट फोर्स जीरो करूंगा, मैं सारी फोर्सेस इस पे निकालूंगा नेट फोर्स जीरो करूंगा, और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करके एक्स निकालूंगा। तो अगर ये एक्स, तो ये डी माइनस एक्स, क्लियर है। अब मुझे ये पता है कि मैंने कैपिटल क्यू यहाँ रख दिया, और जब मैं इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता हूँ या मैं यहाँ पर जब वेक्टर्स बनाता हूँ, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। चलो सारे वेक्टर अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल, ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को रिपेल, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, कभी कैंसिल ही नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, इक्विलिब्रियम के लिए एक वेक्टर राइट तो दूसरा वेक्टर लेफ्ट, तभी वो कैंसिल करेंगे। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि ये चार्ज पॉजिटिव नहीं होगा, इसका जो साइन होगा वो पक्का क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव से क्या हुआ, अब देखो इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया, तो एक इसके ऊपर अगर वेक्टर ड्रॉ करें तो इसने इसको अट्रैक्ट किया 1/4πε0 दिस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और उस 2q ने इस q को रिपेल किया 1/4πε0 q इनटू 2q बाय टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, डी का स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है, और इक्विलिब्रियम या नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। फिर उसने ये कहा कि नेट फोर्स इस पे भी जीरो है, इस माइनस ने इस 2q को अट्रैक्ट किया 1/4πε0 माइनस q इनटू 2q बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इस क्यू ने 2q को रिपेल किया, ठीक, इक्वेट किया दूसरी इक्वेशन। कोई डाउट इसमें, दो इक्वेशंस क्लियर है कैसी बनी। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये देखो इसका इसका आ गया बराबर, नहीं है मुझे लग रहा बराबर है कुछ, हाँ बराबर है, बराबर है, दोनों का लेफ्ट बराबर है तो दोनों का राइट भी बराबर होगा। सॉल्व करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो प्लीज, दो इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर निकालो। पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव ने पॉजिटिव को एफ 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 टू एफ टू एफ वेक्टर सम अंडर रूट ऑफ 2 कूलम है, ये 2 कूलम के ऊपर नेट फोर्स निकालो, इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया, थीटा थीटा एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा कैंसिल, 2f cos थीटा cos, f की वैल्यू 1/4πε0 1 इनटू 2/5 का स्क्वायर cos थीटा 4/5। अगर वो पॉजिटिव लेता तो दो वेक्टर इधर चले जाते, अब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो कैंसिल कैसे करेंगे, तो इसलिए हमने सोचना है कि नेगेटिव होना चाहिए। मैच करो, आंसर आ रहा है, आ गया। डाउट है इसमें क्वेश्चन पे, ये वाला 2, ये वाला 2 इनके साथ है, ये दो इक्वेशन सबको समझ में आ गई ना, 1 और 2, बस फिर इक्वेट करो, इक्वेट करके क्यू एंड क्यू कैंसिल, 1/4πε0 कैंसिल, ये टर्म आ गई, अंडर रूट ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स आ गया, ठीक।
ठीक है, सबको क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करें प्लीज, वेट क्या कर रहे हैं? असाइनमेंट आपके पास है? अच्छा, जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाले यहाँ देख लें क्वेश्चन। वेक्टर खुद ड्रॉ करें, थोड़ा बड़ा कर दूं यार। हाँ, खुद दिमाग लगाएं, डायरेक्शन कैसी होंगी वेक्टर की, बनाएं वेक्टर्स ड्रॉ करें। ध्यान से देखो, वेक्टर सारे उसी पे ड्रॉ करो जिस पे नेट फोर्स निकालनी है, वेक्टर सारे उसी पे ड्रॉ करो। चार्ज पॉजिटिव पुट करना है या नेगेटिव पुट करना है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछ के सोच के पुट करना पड़ेगा। मन में पॉजिटिव ही आता है पहले, लिखा हुआ है इसमें, जैसे ये लिखा कि पॉजिटिव नेगेटिव है। ओके, वो कह रहा है होल्ड करने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि आपको सोचना पड़ेगा, नहीं कुछ ना करो, हाँ वेक्टर के बाद आप डिसाइड करते हो कि नेट आंसर जीरो आना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन यही है, इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड फोर इक्वल पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू इन इक्विलिब्रियम एट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द पॉइंट चार्ज दैट विल डू दिस इफ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज पुट करना है जो इन सबको यहीं होल्ड करके रखे। एक बात तो ये भी ठीक कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो भगा नहीं देगा, नेगेटिव खींच लेगा। ठीक है जी, कैंसिल हो गया इफेक्ट आपका, तो मेरे मेथड में आ जाते हैं। तो मन में ये आएगा कि चलो पहले पॉजिटिव चार्ज लगा के देखते हैं, हर के मन में आता है। मैं भी जब कोई क्वेश्चन ट्राई करता हूँ तो पहले पॉजिटिव ही लगा के देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया या सोचा कि चलो पॉजिटिव लगाते हैं कि ये रहा पॉजिटिव, अब
ये चार्ज हिलेंगे नहीं, तो नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लिया मैंने, ये वाला पकड़ लिया, से चलो ये पकड़ लेते हैं नहीं तो, या कोई भी ये पकड़ लो चलो, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। और ये भी इसे क्या करेगा? सारे वेक्टर तो इधर आ गए, तो कैंसिल कौन करेगा? कोई भी नहीं, तो नेट फोर्स जीरो कैसे होएगी? हाँ, तो इसका मतलब डिसाइड क्या कर किया हमने कि हम कैपिटल क्यू को क्या लेंगे? नेगेटिव, ताकि ये चार्ज इसे क्या करे? रिपेल। ये चार्ज इसे क्या करे? रिपेल। ये भी इसे क्या करे? रिपेल। पर ये इसे क्या करे? अट्रैक्ट। अब इन तीनों का वेक्टर सम इसे क्या करेगा? कैंसल। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी? जीरो। ठीक है, तो ये देखो, तो इसके अंदर एक काम करते हैं। सबसे पहले एफ की वैल्यू, इस चार्ज ने इसे रिपेल किया, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0Q×QA का स्क्वायर। इसका और इसका भी सेम, एफ और एफ तो सेम ही रहेगा, पर ये और ये डायगोनल है, तो 1/4πε0Q×Q√2A का होल स्क्वायर, √2A का होल स्क्वायर। क्या है? तीनों फोर्सेस क्लियर है? एक, ये दोनों सेम, ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। इसमें क्या होगा? हाफ डायगोनल। हाफ डायगोनल कितनी होती थी? A/√2। तो 1/4πε0Q×√2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? फोर्सेस की वैल्यूज और वेक्टर्स क्लियर है? ठीक है, तो अब गेम वेक्टर की स्टार्ट होगी, फिर से इक्वेट करना पड़ेगा। कैसे? ये और ये जो फोर्स है आपस में 90 डिग्री पे है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, तो क्या होगा रिजल्टेंट? √f² + f² और एक और फोर्स है f डैश ऐड हो जाएगा इनमें, तो नया रिजल्टेंट यहां पर क्या आएगा? f′ + √f² + f² और जो कौन बैलेंस करेगा? f′। तो इक्वेशन क्लियर है? अब आपको आपके क्वेश्चन में f′ पता है, आपको f पता है, आपको f′ पता है, बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। आपको मेथड समझ में आया? पहले डायग्राम बना, f′ निकाला, इसका और इसका, ये रहा, f निकाला और इसका f′ निकाला, फिर f और f का रिजल्टेंट इस तरफ गया, जो f′ में ऐड हो गया ऐसे, और जो किसके साथ इक्वेट हो गया? f′। तो ये √2f है, तो यहां पर f′ हमें पता है, f हमें पता है, f′ हमें पता है। सॉल्व करके क्या आ गया? आंसर आ गया। जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा, मैं किया भी हुआ है, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा जो f′ को कैंसिल करेगा, इक्वेशंस ये बनेंगे। कैलकुलेशन आपकी, आपने घर पे ट्राई करना है इसे, तो ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया काम खत्म हो गया, आपने अपनी कॉपी में इसको करना है। ठीक है, फॉर्मूला का रजिस्टर लगा लिया, भूलना नहीं, रजिस्टर पक्का भरेगा, और दो ही ना लग जाए, मैं बता रहा हूँ आपको, लाइन लग जाएगी इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी फॉर्मूलाज की, इलेक्ट्रोस्टैट्स में रजिस्टर भर जाएगा आपका फॉर्मूलाज में, इतना है 2 महीने में। ठीक, तो ठीक है, नेक्स्ट, ये तो कर लोगे, करो जरा, ये टच वाला क्वेश्चन है, इधर इसको ए को बी से टच कर दिया, बी को सी से टच कर दिया, करो स्टार्ट। बोला उसने आइडेंटिकल, सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स, हाँ आइडेंटिकल होना जरूरी है, थर्ड भी आइडेंटिकल है, साइज चेंज हो जाता अगर ये बोल रहे हो, हाँ चेंज हो जाता, हम चैप्टर करेंगे कैपेसिटेंस, शेप से कैपेसिटी चेंज होती है चार्ज स्टोर करने की, इसलिए आइडेंटिकल बार बार बोल रहे हैं, फर्क पड़ता।
देखो टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल्स फेल एंड वी रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁵. तो ए और बी है, इनके बीच में फोर्स गिवन है, आइडेंटिकल है क्यू एंड क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर, पता नहीं कितना. तो फोर्स की जगह फोर्स, क्यू की जगह क्यू आर, ये इक्वेशन आगे डन, बस ये गिवन है. अब वो क्या कह रहे हैं कि एक और आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर लिया सी, ये पड़े हुए थे क्यू एंड क्यू, ये अनचार्ज्ड है, ए के साथ टच किया एंड देन प्लेस एट द मिडल बिटवीन ए एंड बी. तो इसके साथ टच करके इन दोनों के मिड पॉइंट पे रख दिया. चलो पहले टच किया तो चार्ज क्या हो गया, आधा आधा, क्यू बाई टू क्यू बाई टू. अब सिचुएशन क्या होगी, क्यू बाई टू और यहां पर क्यू, मिड पॉइंट पे रख दिया. अब वो कह रहे हैं इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगी, फाइंड नेट फोर्स ऑन सी. तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, सी पे, क्लियर है. तो इसमें क्या करेंगे, ए सी को रिपेल करेगा, बी सी को रिपेल करेगा, सारे पॉजिटिव है. तो बड़े में से छोटी फोर्स माइनस, तो क्या होगी फोर्स, ये इसे रिपेल कर रहे हैं, तो एफ वन क्या होगा, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई टू बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर. ये इसे रिपेल कर रहे हैं तो 1/4πε0 क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर रिपेल कर रहे हैं. तो एक फोर्स बड़ी एक छोटी, तो इसमें एफ वन बड़ा एफ टू छोटा, कैसे पता लगा, इसका न्यूमिनेटर क्यू इंटू क्यू बाई टू है, इसका क्यू बाई टू है, ये बड़ा है, तो एफ वन में से एफ टू को माइनस, तो माइनस करके आपके पास सॉल्व करके ये आंसर बचेगा, ये बचेगा बस. पर ये आंसर तो ऑलरेडी हमारे पास है, वो रहा, इसकी जगह आंसर 2 × 10⁻⁵. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है. तो आप क्या करेंगे, एक बुक आपको परचेज तो करनी पड़ेगी, एस एल अरोड़ा की बुक तो परचेज करनी ही है, बोर्ड्स के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है वो मेरे हिसाब से, दो वॉल्यूम्स आते हैं उसके. स्टार्ट कर दो इसकी अनसॉल्व प्रॉब्लम जितनी भी हैं, बैकलॉग को नहीं रखना, चुप करके ये बुक करते जाओ, आप मानोगे ये बात, आपका नीट और मेंस भी बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, इतने मुश्किल पेपर आते ही नहीं हैं. जिसकी फीडबैक है वो कोई रोता हुआ आता नहीं है, बेसिक जिसका ठीक है उस बात पर क्लियर हो जाता है, और इवन बोर्ड्स का भी, बोर्ड के लिए भी बहुत बढ़िया बुक है. इसके ऊपर एक और बुक है ऑब्जेक्टिव की, कोर ऑब्जेक्टिव, वो मेंस वालों को लिए तो अरिहंत पता ही आपको, वो तो एक है ही, वो फॉलो की जा सकती है. नीट वालों के लिए एमटीजी की बुक आती है नीट की, कोई एक नीट की बुक ले लेनी है कोई भी ऑब्जेक्टिव, तो वो आपने एक्सक्लूसिव नीट की बस वो फॉलो करनी है, दैट्स इट, साथ साथ फॉलो करनी है. मैं ग्रुप पे लिख दूंगा कौन कौन सी बुक्स क्या क्या करनी है, अब ग्रुप से वहीं से कर लेना, फोटो भेज दूंगा उसकी बुक की. जेई मेंस के लिए डीसी पांडे ठीक है, लेवल वन वही बात सेम जो हमने किया था वो ठीक है बुक. मैं वो ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, ग्रुप पे सारे हैं ना, मैं ग्रुप पे फोटो सेंड करूंगा बुक की फोटो सेंड करूंगा, वो ले लेना. एसएल तो ले ही लो, एक दिन में तीन किताबें क्या कर लो, तो यहाँ से शुरू तो करो, उसमें भी बहुत कुछ है, ये भी नहीं होनी जल्दी जल्दी अभी. हाँ आ जाओ 12:30 आ जाओ, ठीक है, कल आने प्रैक्टिस के लिए किसी, हाँ एक काम कर सकते हैं हम, क्योंकि एक चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट क्लोज ही है ये वाला, एक शॉर्ट टेस्ट तो हो ही सकता है, काम खत्म करते हैं, छोटा सा टेस्ट लेके खत्म करो फोर्स का. हाँ एक चैप्टर इतना ही तो है. हाँ नेक्स्ट क्लास 10 मिनट का टेस्ट, कोई भी एक सुपर पोजिशन के ऊपर मेरे को दूंगा, और क्या होगा, दो तीन बेसिक जो करवाया है उसमें से रिवाइज करके आना है, तो ठीक है आप कैरी करके आना, रिवाइज करके आना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर इन न्यूमेरिकल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट है. इलेक्ट्रिक फील्ड और ए चैप्टर इलेक्ट्रोफोर्स डिटो सेम है, मतलब बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको ये, ठीक है. तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का चैप्टर फोर्स की तरह चलेगा, मुश्किल नहीं है, फिर सी चैप्टर से थोड़ा सा बढ़िया मजा आएगा उसमें, फिर सब कुछ नया चलेगा. ये अपलोड कर दूँ, हाँ ठीक है, मैं एक फॉर्म दूंगा आपको गूगल फॉर्म आज, वो गूगल फॉर्म आपने सबने फिल करना है, चाहे लास्ट ईयर फिल कर रखा है तो भी फिल करना है, तो उससे आईडी बनने है टेस्ट के भी, और से गूगल ड्राइव शेयर भी होनी है, तो उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देना, तो आज डाल देना, मैं कल तक गूगल ड्राइव पर शेयर कर दूंगा सारा.
मैं आईडी बनाऊंगा, ठीक है?
ओके चलो ठीक। देखो,